नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टंप लाइन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस पापुआ न्यू गिनिया, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की 39वीं मैच है। ये मैच रहेगी आज यानी कि 17 जून 2024 को रात को 8 बजे। तो इस मैच का हम ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो जिस मैदान पर ये मैच होने वाली है उस मैदान का हम पिच रिपोर्ट देखेंगे, वेदर रिपोर्ट देखेंगे, उसके अलावा उस मैदान पर अब तक जो T20 इंटरनेशनल के मैचेस हो चुके हैं उसका हम स्टार देखेंगे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि किस तरह से मैचेस उस ग्राउंड पर जाते हैं। बल्लेबाजों का स्टार दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इस ग्राउंड पर अगर कोई बल्लेबाज हाई स्कोर करता है तो कितने तक कर सकता है। और गेंदबाजों का भी स्टार दिखाऊंगा ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि इस ग्राउंड पर स्पिनर चलते हैं या नहीं, फास्टर चलते हैं या नहीं, अगर कोई गेंदबाज ज़्यादा विकेट लेता है तो कितने तक ले सकता है। उसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में दोनों भी टीम के तरफ से जो बैटिंग ऑर्डर है वो बताऊँगा, गेंदबाजी कौन कौन से गेंदबाज कर सकते हो वो बताऊँगा, मेन गेंदबाज बताऊँगा। तो उसके अलावा दो से तीन ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाऊँगा और ऐसी ट्रिक बताऊँगा आपको और टिप्स भी बताऊँगा, ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो अब तक इस T20 वर्ल्ड कप में फेल नहीं हुई है, हर मैच में काम कर चुकी है, वो आज फेल नहीं होगी, आज भी उसका यूज़ करना है। तो वो ट्रिक जानने के लिए और ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको वेदर रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो जिस ग्राउंड पर ये मैच होने वाली है उस ग्राउंड का नाम है ब्रायन लारा स्टेडियम, ट्रिनिडैड, वेस्ट इंडीज़। तो ये जो मैच है वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है ट्रिनिडैड के ग्राउंड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदर रिपोर्ट। तो इस वेदर रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन के चांसेस जो दिख रहे हैं वो 20% दिख रहे हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। तो यहाँ पे बारिश के चांसेस इस ग्राउंड पर 20% दिख रहे हैं। ह्यूमिडिटी 94% है और विंड की स्पीड यानी कि हवा की गति 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आज के दिन में रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक यहाँ पर आप देख सकते हैं सनी कंडीशन दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर बारिश के चांसेस नहीं दिखाए गए हैं। और यहाँ पे 9 बजे से लेकर आगे देखिए सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक यहाँ पर 40 से लेकर 70 तक बारिश गिरने के चांसेस दिखा रहा है। उसके बाद और देखिए तो आज के दिन में यानी कि आज जो 17 जून है तो इस दिन में यहाँ पर 5 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर सनी कंडीशन रहेंगी, उसके बाद यहाँ पर बारिश गिरने के चांसेस है 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। और आगे देखें यहाँ पे 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक यहाँ पर बारिश की फोरकास्टिंग नहीं की गई है कि कितने परसेंट बारिश गिरेगी, लेकिन रात के 12 PM से लेकर रात के 1 AM तक यहाँ पर बारिश गिरने के चांसेस दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर बारिश गिर सकती है आज के दिन में। तो चलिए अब मैं आपको पिच रिपोर्ट दिखाता हूँ, किस तरह से आज के मैच की पिच रिपोर्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ग्राउंड पर ये मैच खेले जाने वाले हैं तो उस ग्राउंड का नाम है ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम। तो इस ग्राउंड पर जो ये जो ग्राउंड है इसकी पिच रिपोर्ट अगर देखा जाए तो ये जो पिच है ये तीनों को भी अच्छे इसमें तीनों भी टाइप के प्लेयर को एडवांटेज है इस पिच पर, यानी कि इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ हो, यानी कि किसी एक के लिए ही कोई एडवांटेज नहीं है। यहाँ पर जो स्पिनर है उसको भी विकेट मिलेंगे, फास्टर है उसको भी विकेट मिलेंगे और जो बैट्समैन है उनको भी हाई स्कोर करने का चांस मिलेगा, यानी कि इस ग्राउंड पर सभी को मदद है, किसी एक को एडवांटेज नहीं है। तो आप किसी बल्लेबाज को कैप्टन बना सकते हो, गेंदबाज को बना सकते हो, स्पिनर को भी बना सकते हो, सभी के लिए एडवांटेज है। तो आप किसी को भी कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो ये पिच रिपोर्ट है। चलो अब मैं आपको स्कोरिंग पैटर्न दिखा देता हूँ इस ग्राउंड पर जो स्कोर बन रहा है, तो किस तरह से स्कोर बन रहा है इस ग्राउंड पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर यानी कि ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम जो है
अरूबा ट्रिनिडाड में जो कि वेस्ट इंडीज में, इसमें जो T20 के रिसेंट मैचेस जो हुए हैं T20 इंटरनेशनल के, तो यहाँ पर मैंने कवर किया है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट इनिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में जो हाई स्कोर बन रहा है वो उतना कुछ खास नहीं बन रहा है, यानी कि 150 तक हाई स्कोर आपको दिख रहा है। एक ऐसी मैच गई है जहाँ पे 267 का हाई स्कोर हुआ है, जो कि 2023 में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 267 रन बनाए थे, तो यही हाई स्कोर है इस ग्राउंड का। और लो स्कोर की अगर बात करें फर्स्ट इनिंग का लो स्कोर, तो यहाँ पर 40 का लो स्कोर है, जो कि इसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने युगांडा को 40 रन पर ऑल आउट किया था। और बाकी के अगर सेकंड इनिंग के हाई स्कोर और लो स्कोर की अगर बात करें, तो सेकंड इनिंग के हाई स्कोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ग्राउंड पर जो हाई स्कोर है सेकंड इनिंग का वो 192, जो कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की जो मैच हुई थी उसमें 267 रन का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने 192 रन बनाए थे, लेकिन 10 विकेट गंवाए थे। तो यहाँ पर 192 का हाई स्कोर है सेकंड इनिंग का। और लो स्कोर की अगर बात करें इस ग्राउंड पर, तो इस ग्राउंड पर लो स्कोर सेकंड इनिंग का लो स्कोर यहाँ पर 136 है, जो कि न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग में 136 रन बनाए हैं 20 ओवर में, तो यहाँ पर ये लो स्कोर है इस ग्राउंड पर सेकंड इनिंग का। तो ये मैंने बता दिया, तो फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में किस तरह से विकेट गिर रहे हैं वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग में जो विकेट गिर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही मैच ऐसी गई है जहाँ पर 3 विकेट गिरे। इंग्लैंड ने 267 रन बनाए उसमें सिर्फ 3 ही विकेट गए थे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए बाकी मैचेस में, तो इसमें गौर करने लायक बात यह है कि 6 विकेट से लेकर 10 विकेट तक फर्स्ट इनिंग में विकेट गिर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में टीम ऑल आउट हो रही है और कम भी विकेट गिर रहे हैं। तो यहाँ पर हाई स्कोर भी हो सकता है, हाई स्कोर एक बार ही हुआ है इंग्लैंड ने 267 बनाए। उसके अलावा बाकी के मैचेस में देखेंगे तो आपको 150 तक दिख रहा है स्कोर, इस उससे ज़्यादा नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो तीनों भी टाइप के प्लेयर को जो एडवांटेज है उसमें इस ग्राउंड पर अब तक जो प्रदर्शन अच्छा किया है, तो तेज गेंदबाज और स्पिनर ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। अगर सेकंड इनिंग की अगर बात करें, तो सेकंड इनिंग में आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर जो प्रदर्शन हो रहा है, तो इसमें भी एक ही बार ऐसा हुआ जो 150 के ऊपर स्कोर गया है। उसके अलावा बाकी के मैचेस देखिए यहाँ पर 150 के अंदर ही है। और यहाँ पे विकेट की अगर बात करें, तो सेकंड इनिंग में एक विकेट से लेकर 10 विकेट गिरने के चांसेस है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में भी टीम ऑल आउट हो सकती है, सेकंड इनिंग में भी हो सकती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए अपनी ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बैटिंग स्टैट्स इस ग्राउंड पर। तो यहाँ पर जो मैंने रिसेंट मैचेस देख बताए हैं, तो इस ग्राउंड पर अब तक जो 3 मैचेस जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये तीन मैचेस इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचेस हैं, जहाँ पर न्यूजीलैंड ने इसी ग्राउंड पर युगांडा को 40 रन पे ऑल आउट किया। अफगानिस्तान ने इसी ग्राउंड पर इस T20 वर्ल्ड कप में पापुआ न्यू गिनिया को 95 पे ऑल आउट किया। उसी तरह से न्यूजीलैंड ने इस ग्राउंड पर न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की मैच हुई, तो दोनों भी टीम के तरफ से 9-9 विकेट गिर चुके हैं। तो यहाँ पर स्कोर बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रिसेंट मैचेस की अगर बात करें, तो फर्स्ट इनिंग में टीम ऑल आउट हो रही है। अगर आज के मैच में पापुआ न्यू गिनिया पहले बल्लेबाजी करती है, तो हो सकता है उसके 10 विकेट चले जाए, क्योंकि पिछले मैच में इस तरह से इसका हुआ है, तो होने के थोड़े चांसेस हैं। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो कि फर्स्ट इनिंग में अगर पापुआ न्यू गिनिया बल्लेबाजी करती है, तो न्यूजीलैंड के तरफ से ज़्यादा ऑलराउंडर और बॉलर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया। चलो अब मैं बैटिंग स्टार्ट दिखाता हूँ इस ग्राउंड पर किस तरह से बैटिंग का प्रदर्शन हुआ है, हाई स्कोर कितने तक बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर अब तक जो बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा है, तो यहाँ पे फिलिप साल्ट, इसने इस ग्राउंड पर 119 रन बनाए, जिस मैच में इंग्लैंड ने 267 रन बनाए थे उसी मैच में 119 रन हाई स्कोर फिलिप साल्ट ने बनाए थे, यानी कि इस ग्राउंड पर 100 रन कोई ना कोई बना सकता है।
चांसेस है 100 रन बनाने के। तो यहाँ पर 50 से लेकर 100 रन तक कोई ना कोई आज के मैच में हाई स्कोर कर सकता है, खास करके न्यूजीलैंड के, अगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कर सकते हैं अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो। और पापुआ न्यू गिनिया की अगर बात करें तो उनमें से भी कोई ना कोई बल्लेबाज 50 रन मार सकता है इस ग्राउंड पर, तो आप उसे भी कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना सकते हैं। या फिर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करती है तो किसी बल्लेबाज को आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, या फिर गेंदबाजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। चलो अब मैं CPL के भी कुछ हाई स्कोर दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि इस ग्राउंड पर अगर कोई बल्लेबाज हाई स्कोर करता है तो कितने तक कर सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 50 से लेकर 90 तक हाई स्कोर इस ग्राउंड पर हो चुके। आंद्रे फ्लेचर ने इस ग्राउंड पर एक मैच खेली, 93 का हाई स्कोर है। उसी तरह से कोलिन मुनरो जो कि न्यूजीलैंड का बल्लेबाज है, इसने इस ग्राउंड पर 8 मैच खेले, 72 का हाई स्कोर इस ग्राउंड पर उसने बनाया है। बाकी प्लेयर का भी आप चेक कर सकते हैं, इस ग्राउंड पर अच्छे खासे हाई स्कोर बन रहे हैं 50 से लेकर 100 तक। इसको ध्यान में रखते हुए आप किसी बल्लेबाज को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको गेंदबाजों का भी स्टार दिखा देता हूँ। तो ये जो ग्राउंड है, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम तारुबा ट्रिनिडाड, T20 के जो यहाँ पर मैचेस हो चुके हैं इंटरनेशनल के, उसमें किस तरह से बॉलर्स को विकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्धारी जोसेफ, इसने इस ग्राउंड पर T20 इंटरनेशनल में एक मैच के लिए 4 विकेट निकाले हैं, यानी कि एक ही मैच में इसने 4 विकेट निकाले। तो ये तेज गेंदबाज है, फास्टर है। उसी तरह से गुदा किश मोटी, ये भी इसी ग्राउंड पर 3 विकेट निकाले हैं एक मैच के लिए। उसके अलावा इसी T20 वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने इस ग्राउंड पर 2 मैच के लिए और एक मैच में 3 विकेट निकाली है, दूसरे मैच में 2 विकेट निकाले। तो यहाँ पे बोल्ट ने इस ग्राउंड पर 3 विकेट निकाले। तो यहाँ पर 5 ऐसे प्लेयर दिख रहे हैं जो इस T20 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन से यहाँ पर टॉप लिस्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे कौन है, जोसेफ ने 4 विकेट निकाले इस T20 वर्ल्ड कप में इस ग्राउंड पर। मोटी जो कि स्पिनर है, इसने इस ग्राउंड पर 3 विकेट निकाले। बोल्ट ने इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले, 5 विकेट निकाले एक मैच में 3, दूसरे मैच में 2 तो इस ग्राउंड पर। उसके अलावा यहाँ पर टीम साउथी, इसने इस ग्राउंड पर 3 विकेट निकाले, 2 मैच खेले हैं, 1 बार 3 1 बार 2। उसी तरह से यहाँ पे फजल अकफारू की, इस ग्राउंड पर पापुआ न्यू गिनिया के खिलाफ इसने 3 विकेट निकाले हैं इसी ग्राउंड पर। तो ये रिसेंट मैचेस है, जो ये सभी के सभी 2024 T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन स्पिनर और फास्टर के तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी गेंदबाजी डालेगा तो उसको 3 ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो स्पिनर हो या फिर फास्टर हो, उनमें से कोई ना कोई प्लेयर ऐसे रहेंगे जो विकेट लेस जाएंगे, यानी कि इसको एक भी विकेट नहीं मिलेंगे, या फिर 2 विकेट मिलेंगे, या फिर 3 या 4 मिलेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप किसी गेंदबाज को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। स्पिनर को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो या फिर कैप्टन, क्योंकि इस ग्राउंड पर यहाँ पर अकील हुसैन जो दिख रहा है, इसने 2 विकेट इस ग्राउंड पर निकाले हैं। मुदाकेश मोटी ने 3 निकाले हैं। और यहाँ पे ये सब है। तो यहाँ पर आप किसी तेज गेंदबाज को कैप्टन या फिर स्पिनर को कैप्टन बना सकते हैं, बल्लेबाज को भी किसी कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो ये सब मैंने बता दिया। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा दोनों भी टीम के तरफ से, अब मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, उसके बाद दोनों भी टीम की तरफ से जो मैचेस हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में उसके ड्रीम टीम आपको दिखाऊंगा, और ट्रिक का किस तरह से यूज़ करते हुए ग्रैंड लीग की बेहतरीन टीम बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये पापुआ न्यू गिनिया का बैटिंग ऑर्डर है इस T20 वर्ल्ड कप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग करने आएगा टोनी उरा, उसके साथ लीगा सिया का आएगा। अगर लीगा सिया का नहीं खेलता या फिर टोनी उरा नहीं खेलता है तो लीगा सिया का के साथ
सेसे बाहू ओपनिंग करेगा जो कि ऑलराउंडर है, ऑफ ब्रेक गेंदबाज है। और लेगासिया का जो ओपनिंग करता है, इसका कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है। ये कभी ओपनिंग करने आ जाता है और कभी आ जाता है पाँचवें नंबर पे, तो और कभी चौथे नंबर पे आ जाता है। उसी तरह से दूसरे नंबर पे ये सेसे बाहू कंफर्म आएगा ओपनिंग करने, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा चार्ल्स अमिनी जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाज है। हिलावरे आएगा जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। असदुल्ला आएगा तीसरे नंबर पे जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाज है। और चौथे नंबर पर हीरी हीरी आएगा और लेगासिया का आएगा। पाँचवें नंबर पर हीरी हीरी और चार्ल्स अमिनी या फिर लेगासिया का। तो यहाँ पे चार्ल्स अमिनी जो दिख रहा है इसका भी कन्फर्म नहीं है, कभी तीसरे पर आता है कभी आ जाता है पाँचवें नंबर पे। उसी तरह से हिलावरे इसका भी कोई कंफर्म नहीं है, कभी तीसरे में आ जाता है कभी छठवें में आ जाता है। और हीरी हीरी जो दिख रहा है इसका भी कंफर्म नहीं है, कभी चौथे नंबर पे बैटिंग करने आता है कभी पाँचवें में आ जाता है। तो आशाद वाला ये तीसरे नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। छठवें नंबर पे आएगा किपलिन डोरीगा जो कि विकेट कीपर है। उसके अलावा यहाँ पर सातवें नंबर पे नॉर्मन वनुआ आएगा जो कि राइट हैंडेड मीडियम तेज गेंदबाज है। उसी तरह से यहाँ पे 400 पर सातवें नंबर पे आ सकता है जो कि राइट हैंडेड मीडियम गेंदबाज है। तो यहाँ पर आप बाकी प्लेयर का देख सकते हैं कौन कितने नंबर पे आएगा। तो यहाँ से मेन गेंदबाज कौन कौन से है जो गेंदबाजी कर सकते हैं, तो यहाँ से मेन गेंदबाज है आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये नॉर्म आठवें नंबर पे नॉर्मन वनुआ, आठवें नंबर पे नॉर्मन वनुआ, ये मेन गेंदबाज एक से लेकर चार ओवर डाल सकता है। ये इससे सेमो कमिया जो दिख रहा है ये भी एक से लेकर चार ओवर डाल सकता है, ये भी मेन गेंदबाज है। पोकन्ना ये मेन गेंदबाज है। अलियोनाव ये भी मेन गेंदबाज, जान करिको मेन गेंदबाज, कबुआ मोरिया मेन गेंदबाज, जैक गार्डनर ये भी मेन गेंदबाज, और यहाँ पे सेमो कमिया ये भी मेन गेंदबाज। तो ये मेन गेंदबाज है जो चार ओवर कर सकते हैं। इनके अलावा अगर बात करें पार्ट टाइम गेंदबाज की, तो पार्ट टाइम गेंदबाजी में चार्ल्स अमिनी ये एक से लेकर चार डाल सकता है। और यहाँ पे असदुल्ला ये एक से लेकर चार डाल सकता है जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाज है। लेगासिया का ये भी एक से लेकर चार ओवर डाल सकता है। हीरी हीरी भी एक से लेकर चार ओवर डाल सकता है। और यहाँ पे 400 पर ये एक से लेकर चार ओवर डाल सकता है, ये मेन गेंदबाज है, 400 पर चार ओवर डाल सकता है। तो इनमें से जिसकी पिटाई होगी उसको चार ओवर नहीं मिलेंगे, और जिसकी इकोनॉमी अच्छी होंगी जो विकेट लेगा उसको चार ओवर मिलने के चांसेस है, चाहे वो पार्ट टाइम गेंदबाज हो या फिर मेन गेंदबाज हो। तो मेन गेंदबाज का किसी का भी कंफर्म नहीं है कि चार ओवर मिलेंगे, पिटाई होती हो तो चार नहीं मिलेगी, किसी और को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कितने ओवर डालेगा, कौन मेन गेंदबाज है, कौन पार्ट टाइम गेंदबाज है, ये सब मैंने आपको बता दिया। चलो अब मैं आपको न्यूजीलैंड का भी बता देता हूँ। तो न्यूजीलैंड की तरफ से मेन गेंदबाज है ये जो आपको प्लेयर दिख रहे हैं, आठ नंबर से लेकर 11 नंबर तक जो दिख रहा है वो सभी के सभी मेन गेंदबाज है जो चार ओवर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको पार्ट टाइम गेंदबाजों की अगर बात करें तो ये भी चार ओवर कर सकता है सेंटनर। और पार्ट टाइम गेंदबाजों की अगर बात करें तो पार्ट टाइम गेंदबाजी यहाँ पे रचिन रविंद्र कर सकता है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, जो इस T20 वर्ल्ड कप में गेंदबाजी कर चुका है, दो विकेट भी लिया है। उसी तरह से ग्लेन फिलिप्स भी इस ग्राउंड पर यानी कि इस T20 वर्ल्ड कप में गेंदबाजी कर चुका है जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, इसने भी दो विकेट लिए हैं। उसी तरह से जिमी निशम एक से लेकर तीन ओवर गेंदबाजी कर सकता है, ये पार्ट टाइम गेंदबाज है। और ब्रेसवेल ये एक से लेकर तीन कर सकता है, कन्फर्म डालेगा, ये भी कन्फर्म गेंदबाजी डालेगा एक से लेकर तीन या फिर चार। तो ये कुछ प्लेयर है जो पार्ट टाइम गेंदबाज है, तो इनको गेंदबाजी मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। चलो अब मैं आपको
बैटिंग ऑर्डर बता रहा हूँ। फिन एलन ओपनिंग करेगा, रचिन रविंद्र या फिर कानवे के साथ। अगर कानवे रचिन और फिन एलन दोनों तीनों भी खेलते हैं तो फिन एलन के साथ कानवे ओपनिंग करेगा। तीसरे नंबर पे आएगा रचिन रविंद्र। अगर रचिन रविंद्र नहीं खेलता है तो फिन एलन के साथ कानवे ओपनिंग करेगा। तीसरे नंबर पे विलियमसन आएगा। तो रचिन रविंद्र का कोई कंफर्म बैटिंग ऑर्डर नहीं है, यह कभी दूसरे नंबर पे आकर ओपनिंग करता है या फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे आएगा चॉपमैन, ग्लेन फिलिप्स आता है चौथे नंबर पे और डैरिल मिचेल। तो ये कुछ प्लेयर है जो चौथे नंबर पर आता है। लेकिन जो आपको चॉपमैन दिख रहा है इसका कोई कंफर्म बैटिंग ऑर्डर है, कभी चौथे में आता है, कभी पाँचवें में, कभी छठवें में आता है। उसी तरह से यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स का भी कंफर्म नहीं है, ये कभी चौथे में आता है, कभी पाँचवें में आ जाता है। और यहाँ पे जो डैरिल मिचेल दिख रहा है इसका भी कोई कंफर्म नहीं है, ये कभी आता है चौथे पे, कभी पाँचवें में। तो इसका कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर है। निशम का भी कन्फर्म नहीं है, ये तो पाँचवें में आ जाता है। कभी कभी ये लोअर ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने आता है, मिडिल लोअर ऑर्डर। तो यहाँ पर सातवें नंबर पे आ जाता है। उसी तरह से छठवें नंबर पे आएगा ब्रेसवेल या फिर सैंटना। आठवें नंबर पे सोडी और मैट हेनरी। नवे नंबर पे साउथी और सोडी। तो बेन सियर जो है ये दसवें नंबर पे बल्लेबाजी गेंदबाजी करने आएगा। तो यहाँ पर फर्गुसन ये 11वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कौन कितने नंबर पे आएगा। तो चलिए अब मैं आपको ड्रीम टीम दिखा देता हूँ, दोनों भी टीम के तरफ से कौन से ऐसे प्लेयर है जो ड्रीम टीम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने भी पापुआ न्यू गिनी का बता यहाँ पर दिखाया। तो पापुआ न्यू गिनी के टोटल अब तक तीन मैचेस हो चुके हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं कौन कौन सा कॉम्बिनेशन इस T20 वर्ल्ड कप में आ चुका है। तो तीनों भी ड्रीम टीम को मैंने कवर किया है। टोटल पापुआ न्यू गिनी के तीन मैचेस हो चुके हैं और ये आखिरी की मैच है। उसी तरह से यहाँ पे न्यूजीलैंड के भी ड्रीम टीम दिखा देता हूँ इस T20 वर्ल्ड कप में जो आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है कौन कौन सा कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड की तरफ से ड्रीम टीम में आ चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों के तीनों मैंने कवर किया है। तो आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन ना दिखना पड़े इसलिए मैंने अलग पेज पर दोनों भी टीम के कॉम्बिनेशन लिख दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पापुआ न्यू गिनी की कॉम्बिनेशन लिखे हैं जो इस T20 वर्ल्ड कप में काम कर चुके हैं, उसी तरह से न्यूजीलैंड के भी लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, ये एक ट्रिक है दोस्तों, इसमें आपको ट्रिक का यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिक किस तरह से यूज़ करना है और ट्रिक के मदद से किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी के तरफ से जो तीन मैचेस इस T20 वर्ल्ड कप में हुआ है, तो उसे मैं आप देख सकते हैं तीनों भी मैचेस में जो भी कॉम्बिनेशन आया है एक दूसरे से हटके आया है, यानी कि यूनिक कॉम्बिनेशन आया है, कोई भी कॉम्बिनेशन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते पहले मैच में 5 प्लेयर चले, दूसरे मैच में 4 चले, तीसरे में 4, यानी कि यहाँ पर 5 चले तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर दोनों भी मैच में 4-4 तो चले हैं लेकिन कॉम्बिनेशन सेम नहीं आया है। यहाँ पे दूसरे मैच में असद वल्ला आया था और तीसरे मैच में आप देख सकते हैं यहाँ पे डोरिगा आया, जो कि डोरिगा दूसरे में नहीं आया था, तीसरे में आया। उसी तरह से यहाँ पे असद वल्ला जो कि दूसरे में आया, तीसरे मैच में नहीं आया। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हट के आया है। उसी तरह से आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से भी जो कॉम्बिनेशन आया है वो एक दूसरे से अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे मैच में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, वहाँ पर 8 प्लेयर मैंने लिखे हैं, 8 नहीं चले थे। यहाँ पे आप ड्रीम टीम देख सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, यहाँ पे कानवे, रविंद्र, फिलिप्स, मिचेल, डैरिल मिचेल सैंटनर, साउदी वर्ल्ड, फर्गुसन। तो ये 8 प्लेयर चले थे। और यहाँ पे
मैं सॉरी हाँ सॉरी बराबर है, यहाँ पे 8 चले थे और 3 ही दूसरे टीम के तरफ से चले थे, तो मिस्टेक नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रीम टीम 8 और दूसरे टीम के तरफ से सिर्फ 3 ही चले थे, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। गलत यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने सोचा कि गलत लिखा है लेकिन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर मैच में एक यूनिक कॉम्बिनेशन आया है। फर्स्ट मैच में आप देख सकते हैं 5 प्लेयर आए, दूसरे मैच में 7 प्लेयर आए न्यूजीलैंड के ड्रीम टीम में, उसके बाद 8 प्लेयर आए, यानी कि दो तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन जो है एक दूसरे से हट के है, यानी कि एक दूसरे से कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है। इसी तरह के जो मैचेस हुए थे आईपीएल 2023 में, तो हर मैच में यूनिक कॉम्बिनेशन ही वर्क किया था, इसलिए आपको यूनिक कॉम्बिनेशन ही रखना, यूनिक कॉम्बिनेशन वर्क करने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 2023 में हर मैच में ये ट्रिक काम की, 2023 आईपीएल में हर मैच में काम की, और इस टी20 वर्ल्ड कप में आप सभी के सभी टीम के आप खुद ही ड्रीम टीम निकाल कर देख लो, कोई भी कॉम्बिनेशन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, हर बार यूनिक कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो आप में से कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, पहले मैच में जो कॉम्बिनेशन चला उसी को कॉपी करते हैं, सेकंड मैच में चला उसके भी कॉपी कर लेते थे, और आखिरी की जो मैच हुई न्यूजीलैंड उसकी भी कॉपी कर लेते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कॉपी नहीं करना है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड के बता दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर पापुआ न्यूगिनी, इसके भी कोई आपको कॉपी नहीं करना है, एक यूनिक बनाना है। तो चलिए यूनिक कॉम्बिनेशन बनाकर आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से ट्रिक का यूज़ करना है। तो आज के मैच में हाई सिलेक्शन प्लेयर कितना है, तो हाई सिलेक्शन में किसे बोलता हूँ जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर होता है उन सभी को हाई बोलता हूँ, और जिनका सिलेक्शन 50 के अंदर होता है उन सभी को मैं लो सिलेक्शन या फिर ट्रम्प प्लेयर बोलता हूँ। तो यहाँ पर हाई सिलेक्शन वाले कितने प्लेयर हैं उन सभी को मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस मैच में हाई सिलेक्शन प्लेयर नौ हाई सिलेक्शन प्लेयर है आज के मैच में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सभी के सभी आज फ्लॉप होंगे, इनमें से कोई ना कोई फ्लॉप होने वाला है, उनके जगह पे आप ट्रम्प डालिए, और बाकी की जो दो ट्रम्प दो जगह बची है उसमें आप और भी ट्रम्प डाल सकते हैं। तो आज के मैच में क्या करना है आपको, आज के मैच में नौ हाई सिलेक्शन है, तो उनमें से कंफर्म दो फ्लॉप होने वाला है, मैक्सिमम 7 तक आ सकते हैं, या फिर यहाँ से मैक्सिमम यहाँ से फ्लॉप होंगे 5 फ्लॉप हो सकते हैं, तो उनको हटाकर इनकी जगह पे ट्रम्प डालना है, मिनिमम 2 फ्लॉप होंगे मैक्सिमम 5, तो इनको हटाकर कोई दूसरे को डाल देना है। तो चलो अब मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो इनमें से कुछ प्लेयर पहले हटा देता हूँ, उनके जगह पे मैं ट्रम्प डालूँगा, तो यहाँ से मैं ड्रॉप करूँगा आलियो नाव को ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद वनुआ को ड्रॉप करता हूँ, अब मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा कॉनवे को ड्रॉप करता हूँ, फिन एलन को ले लेता हूँ, चलो एलन को बाद में ले लूँगा मैं, पहले ड्रॉप करता हूँ यहाँ से सेंटनर है यहाँ पे, सेंटनर को ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 प्लेयर लिए हैं जो हाई सिलेक्शन है, 9 में से 5, यानी कि 4 हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को मैंने ड्रॉप किया, इसमें मैं ट्रम्प डालूँगा, तो ट्रम्प कौन कौन से डालता हूँ देखिए। तो यहाँ से मैं डालूँगा डैरिल मिचेल, उसके बाद यहाँ पे फिन एलन डालूँगा, उसके बाद मैं पापुआ न्यू गिनी की तरफ से कोई प्लेयर डाल देता हूँ, तो यहाँ से मैं
ट्रंप प्लेयर डाल देता हूँ। बॉलिंग में आपको ट्रंप कंफर्म डालना है, क्योंकि बॉलिंग में हर मैच में ट्रंप प्लेयर आते हैं। सिर्फ एक ही मैच इस T20 वर्ल्ड कप में ऐसी गई है जहाँ पे बॉलिंग में ट्रंप नहीं आया, उसके अलावा जितने भी मैचेस हुए उसमें बॉलिंग में ट्रंप आए, यानी कि 50% के अंदर वाले प्लेयर। इसलिए आपको बॉलिंग में 50 के अंदर वाले प्लेयर आज के मैच में ज़रूर रखना है। तो यहाँ से मैं जैक गार्डनर को लेता हूँ, उसके बाद कमिया को लेता हूँ, और इसमें दो प्लेयर मुझे डालना है ट्रंप। सिसेबाउ को ले लेता हूँ, उसके बाद चार्ली सामिनी को लेता हूँ। ये चौथे पांचवे नंबर पे आएगा और गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करेगा। तो यहाँ से मैं कैप्टन बनाता हूँ। आशद वल्ला को कैप्टन बनाता हूँ और वाइस बनाता हूँ मैं फर्गुसन को। तो एकदम यूनिक टीम है। तीसरे नंबर पे आता है आशद वल्ला और स्पिन गेंदबाजी करता है, चार ओवर तक गेंदबाजी कर लेता है, तो उसको विकेट और रन मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो ये हमारी टीम बन के आ चुकी है। तो हम चेक करेंगे, ट्रिक का यूज़ करेंगे इस टीम में ट्रंप की, सॉरी पिछले कॉम्बिनेशन से ये कॉम्बिनेशन मैच होता है या नहीं वो चेक करेंगे। तो यहाँ से मैंने लिया है न्यूजीलैंड की तरफ से 6 प्लेयर, रविंद्र डैरिल मिचेल, फिन एलन, बोल्ट सऊदी और लोकी फर्गुसन। तो चलिए चेक करते हैं। फिन एलन आप देख सकते हैं किसी भी मैच में नहीं चला, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आप यूनिक कॉम्बिनेशन मिनिमम एक प्लेयर बदल कर बना सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 3 से लेकर 4 प्लेयर बदल कर बना सकते हैं। तो इसी तरह की आप कॉम्बिनेशन आज ट्राई कीजिए, इसी तरह का कॉम्बिनेशन आज के मैच में ड्रीम टीम में आने वाला है। कोई भी कॉम्बिनेशन जो पिछले अभी दिखाया है उनमें से कोई भी मैच नहीं करें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनिया की तरफ से मैंने 5 प्लेयर लिया, आशद वल्ला, सिसेबाउ, तीसरा चार्ली सामिनी, कमिया और गार्डनर। तो ये 5 प्लेयर है, चलो चेक करते 5 प्लेयर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से 5 प्लेयर पहले मैच में चला, लेकिन वहाँ पे डोरीगा चला था इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन, और बाकी के मैच देखिए वहाँ पर 5 प्लेयर चले ही नहीं इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आप ग्रैंड की टीम बना सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे लाखों कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उनमें से आपको जो भी ट्राई करना है आपकी पसंद का आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना है, ये ट्रिक ज़रूर काम करेंगे। अब तक ये कभी भी फेल नहीं हुई है ये ट्रिक, 2023 के IPL में नहीं फेल हुई, 24 के IPL में नहीं फेल हुई, इस T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं फेल हुई, इसलिए आपको इसका यूज़ करना है। और एक टीम हो गई, चलो आपको और एक टीम बना कर दिखाता हूँ। तो इसमें मैं सभी को पहले ड्राप कर देता हूँ, उसके बाद टीम बनाऊँगा। आज मैं सबसे पहले डालूँगा बॉलिंग में ट्रंप। तो बॉलिंग में बहुत सारे ट्रंप हैं, तो यहाँ से मैंने, अगर बेन सियर्स खेलता है तो इसको ट्राई करूँगा, इस सोडी खेलता है तो इसको ट्राई करूँगा, उसके बाद चार्ड सुपर को लूँगा मैं, गार्डनर को लूँगा, फिर यहाँ से लूँगा मैं सऊदी को लेता हूँ, इस मैच में स्पिनर और फास्टर दोनों चलते हैं इसलिए मैं यहाँ पर मिचेल सैंटनर को लेता हूँ, सिसेबाउ को लेता हूँ, टोनी यूरा को नहीं, यहाँ से हिरी को लेता हूँ, फिन एलन को लेता हूँ।
तो इसमें और कुछ प्लेयर डाल देता हूँ। हाई सिलेक्शन डालता हूँ इसमें। ट्रंप कितने हुए चलो चेक करते हैं। सेंटनर एक हाई सिलेक्शन है, दूसरा हाई सिलेक्शन यहाँ पे सऊदी है। तो मैंने सिर्फ दो ही हाई सिलेक्शन लिए हैं और 7 ट्रंप लिए हैं, तो आप 7 ट्रंप के साथ जा सकते हैं, 4 हाई सिलेक्शन डाल सकते हैं। तो और मैं 2 हाई सिलेक्शन डालूँगा, तो यहाँ से मैं लूँगा बोल्ट को ले लेता हूँ, और एक हाई सिलेक्शन डालना है रचिंद्र रविंद्र को ले लेता हूँ। तो ये एक हमारी यूनिक टीम बन के आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं कैप्टन बनाऊँगा फिन एलन को, कैप्टन बनाता हूँ। इस ग्राउंड पर कोई ना कोई बल्लेबाज 50 रन भी मार सकता है, इसलिए इसको कैप्टन बनाता हूँ। अगर आज के दिन में बारिश होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। बारिश के हिसाब से बारिश आती है तो उसके हिसाब से टीम अलग बनेगी, तो उस हिसाब से हम टीम बनाएंगे। तो यहाँ पर कैप्टन फिन एलन को और वाइस बनाता हूँ मैं चलो मैं यहाँ से सेंटनर को हटा देता हूँ, कोई और हाई सिलेक्शन डाल दूँगा। असदुल्ला हीरी हीरी को हटाता हूँ, ग्लेन फिलिप्स को ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कैप्टन बनाता हूँ फिन एलन को, और वाइस बनाता हूँ यहाँ पर सोडी को। सोडी अगर 3 विकेट ले लेता है, फिन एलन 70 रन मार देता है, तो हमारा काम बन सकता है। तो ये एक यूनिक टीम हो चुकी है, चलो चेक करते हैं यूनिक है या नहीं। आशा दबल्ला से बहुत सुपर और गार्डनर, चलो चेक करते हैं कॉम्बिनेशन। पापुआ न्यूगिनिया की तरफ से 4 प्लेयर कॉम्बिनेशन, तो आप देख सकते हैं दूसरे मैच में आशा दबल्ला नहीं है, और दोनों भी मैच में ए नाव है जो कि हमने नहीं लिया, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। उसके बाद 7 प्लेयर हमने न्यूजीलैंड के लिए हैं, तो 7 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन, उसमें फिन एलन नहीं है इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन, तो हमारा ये यूनिक कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि 2 से लेकर 3 ग्रैंड लीग के टीम बनाकर दिखाऊंगा, तो यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।